बहुत मजबूत चल रही है। हम लोग पूरी तरीके से आप देखते देख रहे होंगे जनता पूरी घर से निकल चुकी है, सब लोग समाजवादी के लिए मन बना चुके हैं। हमारी तैयारी पूरी, हम लोग पूरे एक एक घर घर डोर डोर जा जा के सबसे मिल रहे हैं और सब लोग हम लोग के साथ है समाजवादी सरकार। सोनू कन्होजिया के डायरेक्ट जो सोनू कन्होजिया जी की लड़ाई है डायरेक्ट किससे है? हमारी लड़ाई किसी से कोई लड़ाई में ही नहीं है। हम लोग जो है जनता पूरी तरीके से मन समाजवादी की तरफ बना चुकी है, समाजवादी सरकार बन गई। जय देवी एक सेंट्रल मिनिस्टर की वाइफ भी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं, कितना प्रेशर आप पर रहेगा? कोई प्रेशर नहीं, क्योंकि वो घर बैठी हैं, घर से मतलब 5 साल घर बैठे, जनता ने मन बना लिया उनको अभी घर बैठना है बस। मलियाबाद की क्या क्या ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिसको सोनू जी दूर करना चाहेंगे? मलियाबाद की सबसे मेन समस्या ये है कि हमारी बहनें और बेटियों के लिए डिग्री कॉलेज की समस्या सबसे बड़ी है। आपने देखा होगा एक अमानीगंज में पुल है जिससे मलियाबाद की 50% जनता परेशान रहती है और कई ऐसी नदी हैं और नहर हैं जिससे पुल बनने हैं और काफ़ी सड़कें और पानी की समस्या है। जी 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 जी, कई अस्पताल वहाँ यहाँ भी नहीं है, अस्पताल का भी काम होगा। हम लोग समाजवादी सरकार में आएंगे, हम लोग ने हमेशा काम किया है। आपने देखा होगा कि मलियाबाद में किसानों के लिए व्यापारियों के लिए एक फल मंडी बनी थी जो समाजवादी सरकार ही बनी थी। भाजपा के पास इतना टाइम नहीं था कि उसका उद्घाटन कर सके, हम लोग समाजवादी सरकार में आ रहे हैं। विधायक इंदल रावत आपका कितना बड़ा नुकसान करने वाले? उनसे हम लोगों को कोई नुकसान नहीं है, उनसे हम लोग कोई नुकसान नहीं। ये बताइए कि ममता बनर्जी का बंगाल से आना और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा? मैसेज आप देख रहे होंगे वहाँ किस तरीके से खदेड़ा हुआ था बंगाल में, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी खदेड़ा होगा और पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा सब भारत में सब जगह अब ये भाजपा 22 में भी जाएगी और 24 में भी जाएगी। सब मन बना चुकी है, जनता पूरी तरीके से परत्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है भाजपा को खड़ा फेंकने के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि आप जिन्ना समर्थक हैं तो फिर जिन्ना देखिए, वो अब उनके पास कोई बहाना नहीं, दूसरी यही बहाना और कुछ नहीं जी। उनके पास कोई बहाना नहीं, केवल यही बहाना है। सीटें कितनी ला रहे हैं? सीटें हम लोग 350 से 400 के बीच में ला रहे हैं। 400 सीटें अगर ला रहे हैं तो 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं? 3 बाकी लोग बच्चे उनको मिल जाएंगे। बढ़ते जा भैया।